सबसे पहले तो जाना चाहिए कैसा एक्सपीरियंस रहा लफंगे लफंगे नवाब लफंगे नवाब। ये फिल्म मैंने सुना बहुत अच्छी बनी है और लखनऊ में शूट हुई है, लखनऊ में, और एक क्लब टाइप का एक गाना है इसमें जिसमें मैंने गाया है और थोड़ा सा डिफरेंट है स्टाइल इसमें और इट्स नाइस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। ओके, सॉन्ग की बात करें तो जब भी आप कोई सॉन्ग गाते हैं तो कैसे इंस्पिरेशन लेते हैं जब भी आप कोई सॉन्ग गाते हैं? मोस्टली तो वो लिरिक्स में इंस्पिरेशन होता है, ऊपर से ट्यून जैसे बोलती है, अगर वो पैपी नंबर है, अगर वो सैड है, रोमांटिक है, तो काफ़ी कुछ वो स्क्रैच से ही पता चल जाता है कि किस तरीके का हमें उसमें अपना जलवा दिखाना है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लाइक कंपोजर, लिरिसिस्ट एंड डायरेक्टर बता देते हैं हमें, बाकी इतने सालों का एक्सपीरियंस हमें भी मिला हुआ है कि कौन से गाने के साथ कैसे क्या करना है, और कोशिश ये रहती है कि थोड़ा अच्छा हो सके ताकि लोगों को अच्छा लगे। ओके सर, एक आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, आप बहुत सालों से ये इंडस्ट्री में अभी, बट देखा जाए तो लिरिक्स को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो वर्गर्स जो आ रहे हैं वर्डिंग्स को लेकर, उसको लेकर बहुत सारे अपोज कर रहे हैं जो म्यूज़िक डायरेक्टर हो गए पहले के, सो आपका क्या टेक है एज अ सिंगर? मैं तो अच्छे गाने सुनता हूँ, मुझे पता नहीं ख़राब गाने कहाँ पे बन रहे हैं, मेरा टेस्ट जो है वो मुझे मिल जाता है। अच्छे गाने आज बहुत अच्छे गाने बन रहे हैं, जैसे अमिताभ भट्टाचार्य हैं, इरशाद कामिल हैं, और बहुत सारे अच्छे शायर हैं जो जैसे कौसर मुनीर हैं, वो अच्छे गाने लिख रहे हैं और अच्छे गाने ही लिखते हैं वो। तो मेरे हिसाब से जिनका जैसा टेस्ट है वो वैसे गाने सुनते हैं, और मेरा टेस्ट माशाल्लाह अच्छा है कि मैं उन गानों की तरफ जाता नहीं। ये प्रॉब्लम जो आप बोल रही हैं आज की नहीं, ये सालों सालों से है ये प्रॉब्लम। तो अच्छे के साथ बुराई होती है, बुराई के साथ अच्छाई होती है, तो ये सब चलता रहेगा। ओके सर, इसके अलावा और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आप शेयर करना चाहें? जी हाँ बिल्कुल, मेरा एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें मैं खुद हूँ, एक सिंगल है जो मैंने शूट किया है अभी, और सागा म्यूज़िक से वो रिलीज़ होने वाला है अगले महीने, तो जल्दी उसके प्रमोशंस के लिए हम लोग निकलेंगे, और बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक ट्रैक है, तो उसका इतना ही बता सकता हूँ कि तू ही मेरा रब उस गाने का टाइटल है। थैंक यू, थैंक यू।